सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों बाद आया हूँ चैनल में, देखते हैं। तो आज का वीडियो खास तो नहीं, हाँ एक झमेले से मुक्ति कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि फ़ोन कहता रहता था। तो आज मैं लेके आया हूँ, लेकिन नहीं खरीद के लेके आया हूँ नया फ़ोन। ओके लेट्स अनबॉक्स इट। ओके लेट्स गो। वैसे स्पॉइलर अलर्ट कि इसे मैंने एक हफ्ता यूज़ भी कर लिया खोल के, फिर अनबॉक्सिंग हो रहा है क्योंकि एग्जाम एग्जाम थे, इसीलिए दिखा नहीं पाया और ऐसे ही। तो ओके लेट्स स्टार्ट। ये हमने खोला, बिल मत देखने दो, खोला। इसके बाद क्या है, ये है माय गॉड, ये जी साइड में अबे आता है, टडंग खुल गया। ये मैंने खरीदा है पोको M3। और पहले खोल लेते फिर बताते हैं इसके बारे में। सबसे ज्यादा पसंद यही आया था फ्लिपकार्ट में, ये आया। फोन कहाँ है, फोन इसके अंदर है क्या, गेस करो इसके अंदर है फोन। और तेरी फोन तो इसके नीचे है, इसके अंदर क्या है बाद में। फोन पहले देख लेते हैं, फोन अच्छा फोन भी साइड में थोड़ा रख देते हैं। क्या क्या दिया इसके अंदर, ये है ये, हम इतना बड़ा नोट कभी नहीं पढ़ते, हटो। OTG केबल टाइप सी है ना, हाँ टाइप सी। और ये है कितने वाट का चार्जर है, ये कितने वाट का बता। पता नहीं, छोड़ दिख नहीं रहा चार्जर। अब ये सब रख देते हैं, अब फोन की बारी। ठीक है ये निकाला और ये रहा फोन। तो ये रहा फोन, ये बैक, ये फ्रंट ब्लू कलर का लिया है हमने क्योंकि येलो अच्छा है, बट हम मैले करने वाले लोग हैं और ये येलो कलर थोड़ी स्क्रैच वैच के बाद जब उसके ऊपर काला काला दाग आएगा तब बहुत ही गंदा लगेगा, इसीलिए सोच समझ के हमने एक ऐसा कलर चूज़ किया कि अच्छा सूट करता है, सीधी बात है। अच्छा ऑन कर लेते हैं। अच्छा ऑन करने से पहले बता लूँ, इसके पीछे कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, साइड में है फिंगरप्रिंट। और ये रहा 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और दो पता नहीं किस चीज़ का, और इतना बड़ा पोको का ब्रांडिंग। और ये रहा सामने का पुचको 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। चलो ओपन कर लेते हैं। वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन गार्ड लगा लिया है क्लास, क्योंकि तोड़ने का बहुत शौक है अगर गिर जाए तो, इसीलिए पहले से ऑन हो जा जल्दी से। अच्छा बताया था आप लोगों की, हाँ बताया था आप लोगों को कि मैंने यूज किया एक हफ्ता, तो मेरा फोन तो ये है फोन 49 जो भी। इसका कैमरा क्वालिटी पीछे का बहुत अच्छा है बट सामने का नहीं। छोटा सा वीडियो। और अगर ड्राइंग की बात की जाए तो अभी कॉलेज तो ख़त्म हो गया,
कल ही था लास्ट वाला एग्जाम, तो उसके बाद कॉलेज खत्म हो गया। अब शुरू होगा ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा जैसे अभी कोई, मैं फेक प्रॉमिस बहुत बार कर चुका हूँ बट मैं रख नहीं पाया वीडियो डेली रेगुलर अपलोड करने का, तो मैं इस बार भी प्रॉमिस नहीं रख रहा। पता नहीं कोई मेरा वीडियो देखेगा कि नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। खैर तो ये है, बट ये पक्का है कि मैं यूट्यूब तो करूँगा, रिकॉर्ड तो मतलब ड्राइंग तो करूँगा। कॉलेज ख़त्म होने में बस थोड़ा सा ही और बाकी है, ट्रेनिंग वाला पार्ट ही है, बस ख़त्म हो जाए, बस उसके बाद फिर तो हैं हम, मैं और आप, मतलब मैं और आप। ओके तो चल के लिए भाई, टेक केयर, और तुम से बात कर रहा हूँ समझ गया ना, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, और अगर देख रहे हो तो कैसे हो, ठीक है, बाय बाय। हाँ एक चीज़ तो रह गया था, कहाँ गया फ़ोन के नीचे, फोन के नीचे ये रहा। इसके साथ है दुनिया का सबसे महंगा चीज जो सबसे जल्दी खो जाता है। कमेंट करके बताना अगर अगर कोई एक सिंगल बंदा भी देख रहा हो तो ये चीज आपके पास है या खो गया। ओके ये और टेंटी क्या है, बैक कवर, गेट लॉस्ट। तो बैक कवर आप को बता दूं कि इस फ़ोन का सब कुछ अच्छा है, बैटरी 6000 mAh है, आप अगर रात को चार्ज करके सुबह को यूज़ करना स्टार्ट करो, पूरा दिन रफली यूज़ करो फ़ोन को, फिर भी रात तक 40% चार्ज बच जाएगा। 6000 का मैसिव बैटरी है इसके अंदर, और सिर्फ 6000 का मैसिव बैटरी नहीं, मतलब इसका अब इसका बैक कवर ही प्रॉब्लम, पता नहीं क्या दिक्कत है इसका, छोटा है। आप लोग अगर कोई पोको M3 खरीद रहे हो तो ये मत समझना कि क्या कहते हैं इसे, आपका ही सिर्फ ये छोटा पड़ा है, कंपनी से कोई गलती होगी, कंपनी वालों ने सबके लिए बनाई है ऐसा है छोटा। ये देखो डालो, बस एक वाला डल गया और दूसरा वाला, देखो देखो वैसे ये वाला बैक कवर अच्छा है, बट आई प्रेफर थोड़ा सा नया नया फोन है तो ये हम रखते हैं साइड में और ये लगाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। बहुत से दोस्त कह रहे थे कि तुम बैक कवर ही सिर्फ लगाओ, बट मुझे लग रहा है अभी तो प्रोटेक्शन के लिए फ्लिप कवर लगाना ठीक है, फिर 2-3 साल बाद जब इसे तोड़ना क्या मन करेगा तो बैक कवर लगा लेंगे, अभी तो फ्लिप कवर ठीक है ना, कूल लग रहा था। ओके अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पहले इसका रैम 664 है, एक मिनट तो है 664, 6GB रैम, 64GB मेमोरी, उसके बाद 6000 का बैटरी, ऊपर हेडफोन जैक, बट हेडफोन बॉक्स में नहीं दिया है, ये भी खुद को आईफोन समझते हैं, जो भी है। IR ब्लास्टर, ड्यूअल स्पीकर पीछे आगे दोनों, और इसका स्पीकर काफ़ी तेज है सच्ची में, नॉर्मल फ़ोन से दुगना इतना तेज है। और IR ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर से सचिन तेंदुलकर का कोई होगा, फोन कूल लग रहा है, बस अभी के लिए काफ़ी है ना।